गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी रिक्वेस्ट पे, उनसे आज हम सुनेंगे। लेकिन उनके बारे में थोड़े से शब्द मेरे पास जो हैं, जितना मैं उन्हें जानता हूँ उसके हिसाब से मैं जरूर वो बताना चाहूंगा कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत जब यहाँ आए थे बॉम्बे, शायद कानपुर से चल करके आए थे आप, तो उस समय हीरो बनने की इच्छा थी आपकी, जैसा कि आपने मुझे बताया था। बिल्कुल और उस समय प्रॉब्लम यह आई कि देखिए, हर काम में शुरुआत में दिक्कत ही आती है, हीरो नहीं बने। लेकिन एक बहुत अच्छा काम उन्होंने उनको साथ में हो गया, वो ये कि अगर वो हीरो बनने में सफल हो जाते तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला करते। लेकिन आज वो रियल हीरो बने, वेस्टीज के हीरो, जिसकी वजह से न केवल वो अकेले सफल हुए बल्कि हजारों लोगों के, हजारों नहीं बल्कि मैं कहूंगा लाखों लोगों के साथ में जो है उन्होंने दूसरे लोगों को भी सफल किया। और लगातार इस सफलता की जो है रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, लोगों को सफल बनाते चले जा रहे हैं। और मैं उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा कि वो हैं वेस्टीज के एम्बेसडर, साथ ही साथ डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और हमारे वॉरियर मैनेजमेंट में जो मेन रोल वाले हैं, वो मेन लोग हैं, उसमें से एक हैं विक्की जायसवाल जी। तो आपका स्वागत है विक्की जी। और आज आपका टॉपिक है चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। तो हमें बहुत ध्यान से इस सेशन को सुनना है। ओवर टू विक्की जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। गुड मॉर्निंग ऑल वॉरियर्स। आज आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। थैंक्स कहना चाहूंगा अश्विनी जी और प्रतिभा जी को, जिन्होंने ये आज आपको मिलाने का चांस दिया है। वैसे तो हम मिलते रहते हैं वीडियो पे, पर जी आज भी वीडियो पे हैं, पर प्रैक्टिकली बात करने का मौका मिला आप लोगों से। तो थैंक्स सभी वॉरियर को, और वेलकम है आज सभी पार्टिसिपेंट को। आज मैं बताना चाहूंगा मेरे बारे में, और कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा कि आज यहाँ तक हम पहुंचे कैसे। सबसे बड़ी चीज, जैसे अश्विनी जी ने बताया, मैं इलाहाबाद से, प्रॉपरली इलाहाबाद से हूँ, अमिताभ बच्चन की धरती से, प्रयागराज, अभी जो नाम चेंज हुआ है। मैं बचपन में जब पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, मेरा 10th चल रहा था तभी, उस समय तो 10th में मैं इलाहाबाद से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और मैं वहां जाता था घूमने। जब इलाहाबाद जाता था सिटी में, तो मूवी बहुत देखता था। मेरा बचपन का शौक था मूवी देखने, तो मूवी देखने के चक्कर में 3-3 मूवी एक एक दिन में देखा करता था, क्योंकि 15 दिन में एक बार जाता था। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, उसके बाद फिर नानी का घर था वहीं पे, तो नानी के पास चला जाता था, फिर वापस गाँव आ जाता था। तो ये अमिताभ बच्चन उस समय बहुत फेमस थे, और अमिताभ बच्चन की मूवी देखते देखते, फिर पढ़ाई कंप्लीट करते करते, जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो दिमाग में तब तक एक बात फिट हो चुकी थी कि यार कुछ बड़ा काम करना है, क्योंकि और बड़ा पिक्चर देखते देखते आपने देखा होगा, 3 घंटे के अंदर वो सारी चीजें आपको दिखा देते होंगे। एक गरीब से, गरीब का बच्चा और अमीर बन के, और लग्जरी कार में चल रहा है, बड़े बंगले में आ गया, ऐसा देखते होंगे आप पहले वाले पुरानी पिक्चरों में। तो पहले तो वो दिखाया जाता था, तो वो दिमाग में फिट होते गया। 10वीं से लेके ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करते करते वो सब फिट हो गया दिमाग में। तो ऐसा हुआ कि यार हीरो बनना चाहिए। उस समय थोड़ा सा और स्मार्ट चेहरा था, अभी एज हो रही है, राइट। तो ऐसा हुआ कि हीरो बनना है, तो बनने कहाँ, तो मुंबई आ गए, चले आए किसी के सहारे मुंबई। और मुंबई आने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 दिन लगातार मैं अमिताभ बच्चन के दरवाजे के सामने गया, जुहू 10th रोड पे, कॉर्नर का जो बंगला है आपने देखा होगा, 10th रोड पे हम गए वहां पे, और 7 दिन लगातार गए। तो वहां बहुत भीड़ लगी रहती है, आज भी भीड़ लगी रहती है। तो वहां जाने के बाद अमिताभ बच्चन कभी कभार ऐसे निकल गए दरवाजे से, दरवाजा चौकीदार खोलता है तो गाड़ी में से वो ऐसे बाय हाय बाय करते हैं, और जितनी पब्लिक खड़ी रहती है वो भी ऐसे ही करती है। तो 7 दिन हम भी ऐसे ही करते रह गए। 7 दिन के बाद पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई मिल ही नहीं रहा तो चांस कहाँ से मिलेगा। फिर कहते हैं ना कि जब पर्पज स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो रास्ता चेंज हो जाता है। फिर वो रास्ता बदल गया, फिर हीरो बनने का जो दिमाग में था वो खत्म हो गया, फिर अलग अलग काम शुरू हो गया। बहुत सारे काम किए हमने, सक्सेस होने के लिए बहुत सारे काम किए,
जो भी काम करता था उसमें बड़ी सोच लेके आता था। अगर मैंने कोई काम फैब्रिकेशन का काम किया तो उसमें भी ऐसा सोचा मैं बहुत बड़ा काम करूंगा इसमें, बहुत बड़ी पिक्चर बनाऊंगा इसमें। तो जब भी कोई काम किया मैंने बड़े पैमाने पे सोच के किया, बट सफलता मिली नहीं कहीं, क्योंकि स्ट्रगल बहुत हार्ड होता है। और स्ट्रगल करते करते एक समय ऐसा आया कि मुंबई सिटी में हमारे पास रूम नहीं था। मैं सायन हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ एक महीने उस बेंच पे सोया था। वो दिन आज भी याद आते हैं और कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महीना लगातार उस बेंच पे सोने के बाद एक दिमाग में बात आ गई थी, और दिमाग में बार बार आ रही थी कि आया था बनने हीरो और बन गया जीरो। फिर कसम खाई एक दिन, यार आग निकली उसमें सोते सोते, कि ये दिन अब दोबारा नहीं देखना है जिंदगी में। और एक चीज लाइफ में याद रख लो, जब भी आप कुछ सोचते हो ना, ऊपर वाला आपके लिए काम शुरू कर दे। मैं उसके लिए एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? अच्छा वो हाँ कह दिया आपने, नहीं कहेंगे तो भी बहुत सारे लोग हैं वीडियो पे नहीं है, बहुत सारे लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, तो जरा अपने अपने चेहरे को दिखा सकते हैं सब लोग, राइट? मैं भी अपना चेहरा प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपका चेहरा देख लूं जरा मैं भी। बहुत स्मार्ट लोग सब बैठे हैं, राइट? तो ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि इससे आप रिलेट कर पाओगे। मेरी लाइफ में कहते हैं ना कि वो स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का वो हकीकत है, प्रैक्टिकल जिंदगी का जो मैंने जिया है, जो मैंने झेला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। हमारे साथ जो घटता है, किसी की आवाज आ रही? ओके, तो हुआ क्या कि जब स्टोरी में बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक बंदा था भगवान की बहुत पूजा करता था, और पूजा करते करते उसकी मृत्यु हो गई और वो गया ऊपर। वहां चित्रगुप्त जी सब देखे, पूरी जो डायरी देखे उनकी, तो पता चला कि वो काम भी अच्छा किए थे और बुरा भी आधा था, अच्छा भी आधा था, मतलब ऐसा आधा आधा था। तो उनको पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, स्वर्ग देख जाना चाहते हो या नरक जाना चाहते हो? क्योंकि एकदम इक्वल था, 50-50 था, अच्छा काम भी 50 था और बुरा काम भी 50 था। तो ये हुआ कि भाई हमें पूरा दिखा दो दोनों, फिर हम जाएंगे। तो दिखाने गए, वो स्वर्ग दिखाने गए, नरक दिखाने गए, सब दिखाते दिखाते एक गोडाउन के पास चले गए। वहां भी ऊपर भी एक गोडाउन है, तो वहां जब गए वो देखे, तो ये पूछे वो कि भाई ये भगवान ये क्या है, चित्रगुप्त जी ये क्या है? तो बोले ये ऐसी चीज है जो अधूरी अधूरी सब दिख रही थी, कार भी अधूरी, बंगला भी अधूरा, सब कुछ अधूरा अधूरा दिख रहा था। उन्होंने पूछा ऐसा अधूरा अधूरा क्यों है? तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि जितने भी प्राणी हैं, इंसान हैं धरती पे, जिन्हें भगवान ने बनाया है, वो जब भी कुछ सोचते हैं मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर देता हूँ। अगर उन्होंने कार के बारे में सोचना शुरू किया तो मैं उनकी कार डिजाइन करना शुरू कर देता हूँ। उन्होंने घर के बारे में सोचना शुरू किया तो मैं घर की डिजाइन शुरू करता हूँ। और जब कोई आधे में छोड़ देता है तो मैं ये गोडाउन में डाल देता हूँ। तो आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आज से जो भी सोचना पूरा सोचना, अधूरा कभी मत सोचना, वरना गोडाउन में चला जाएगा आपका सारा ड्रीम, राइट? तो सवाल वही था कि हमने जब एक महीना बेंच पे सो रहा था मैं, तो आग जल रही थी कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ करना है। तो कहते हैं ना गॉड प्लान होता है, ऊपर वाला रास्ता देता है, जब भी आपको सोचते हो आपको मिलता है। ये चैलेंज है, और मेरा एक सबसे बड़ा सोच है कि हम इंसान हैं और इंसान सब कुछ कर सकते, इसलिए कर सकता है जितने भी इंसान है। उसी में से कुछ लोग चांद पे गए, कुछ लोगों ने मोबाइल डिजाइन किया, कुछ लोगों ने कार डिजाइन किया, इस कंप्यूटर डिजाइन किया, जो भी चीज नेचर को छोड़ के इंसानों ने किया है। अगर आप अपने आप को इंसान मानते हो, आप जो सोचोगे वो आप कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। पर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्शन मोड पे आना पड़ेगा, तब पूरा हो। आसानी से कोई चीज नहीं होती। 10 लाख कमाना है ना तो कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं, बट वो इस बिजनेस में क्यों आए पहले ये समझ लो। आज ये कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये वो बिजनेस है जहां आपका ड्रीम पूरा होता है। ये बिजनेस है आपका, और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही लोगे तभी आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमा सकते, राइट? तो हमने भी वही सोचा, हमें मिला मौका, एक चांस मिला नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर करने का।
नेटवर्क इंडस्ट्री में इंटर करने का जब चांस मिला, एमवे कंपनी का नाम सुना होगा, मैंने एमवे 2.5 साल किया, पैसा नहीं मिला पर नॉलेज बहुत मिला। लाइफ में एक चीज याद रख लो, कभी भी अगर आपको सफलता चाहिए तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज, नॉलेज मल्टीप्लाई एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर आपके पास नॉलेज है और आप एक्शन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपके पास एक्शन है नॉलेज नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, नॉलेज मल्टीप्लाई एक्शन इक्वल टू रिजल्ट, तभी आप रिजल्ट ले पाओगे। बराबर लाइनअप करके चलो, नॉलेज ले रहे हो एक्शन में कन्वर्ट कर दो, नॉलेज ले रहे हो एक्शन में, प्लान दिखाने आ गया प्लान दिखाना शुरू कर दो, बोलने आ गया बोलना शुरू कर दो, जो भी आपको आ जाता है उसे एक्शन में कन्वर्ट कर दो, आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किया, फिर एमवे के साथ, फिर हमने प्री इंडिया किया, फिर आरसीएम किया। आरसीएम जब काम कर रहे थे हम, तीसरी कंपनी थी तभी, ये वेस्टिज लिंक ही नहीं था कहीं पे कि वेस्टिज नाम में कोई हो कि आ जाए या कर लूं, ऐसा कुछ था मालूम ही नहीं था। ये 2001 की बात है जब फ्री इंडिया से बायकॉट करके हमने आरसीएम ज्वाइन किया, क्योंकि फ्री इंडिया कंपनी बंद हो गई, हमने कंपनी छोड़ा नहीं, कंपनी बंद हो गई। उसके बाद आरसीएम में आया, आरसीएम में हमारी जो अपलाइन लॉबी थी उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, फिर भी चेक आ रहा था इसलिए मैं छोड़ा नहीं। पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत चीज आसानी से नहीं मिलती, बहुत कीमत अदा करनी पड़ती। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे अपलाइन जो है ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेश जयवार भोपाल से है, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली जहां पे बैठे हो एक क्लैपिंग कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अगर ये जिंदगी नहीं बताई होती, ये रास्ता नहीं दिया होता तो मैं यहाँ नहीं, राइट। वो भोपाल से चल के मुंबई आए थे प्लान दिखाने, और एक पेपर में प्लान लेके आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था, उन्होंने प्रोडक्ट का कुछ ज्यादा ये नहीं था, कैटलॉग नहीं थे, कैटलॉग एक पन्ने का एक कैटलॉग था, चार प्रोडक्ट इधर चार प्रोडक्ट इधर, इसे फोल्ड कर दो तो ऐसा कैटलॉग था। आपने अश्विनी जी को पता होगा मैं जो बोल रहा हूँ, उस समय अगर आप लोग आते तो कभी जिंदगी में जुड़ते भी नहीं, वो सिचुएशन था 2007 में। तो 2006 दिसंबर में हम 12 तारीख को भोपाल गए, उन्होंने कहा कि अगर पूरा डिटेल जानना है तो आपको भोपाल आना पड़ेगा। अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में आप अश्विनी जी आप सोचेंगे कि आप घर में बैठे बैठे वीडियो ऑन करके समझने की बात है तो भी लोग नहीं आते। मैं प्लान देखने भोपाल गया था इसलिए कि मैं जो सोच के आया था कि हीरो बनना है, इसलिए मेरे अंदर एक आग थी, तो मैंने पैसा नहीं देखा, 3,000 रुपए खर्च करके भोपाल गया प्लान देखने का, हो सकता है इससे मेरी लाइफ चेंज हो। और वहां जाने के बाद 3 घंटा, बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं पता है आपको, आधी मीटिंग अटेंड करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। कभी भी जिंदगी में ना कोई काम करो ना अधूरा मत करो, पूरा करो, राइट, पूरा काम करने का, इसलिए अधूरा काम करोगे नहीं होगा। तो हमने जब 3 घंटा प्लान देखा, दीपक सर प्लान दिखा रहे थे, दीपक सर नोनी स्पालना फ्लैक्स यही सब प्रोडक्ट थे उस समय, उन्होंने बताया, मैं साइंस से था नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ बुला लिया इन्होंने सुरेश जी ने। लेकिन जब वो प्लान के ऊपर आए, प्रोडक्ट खत्म करके फिर प्लान के ऊपर आए, और जैसे प्लान के ऊपर आए उन्होंने डायरेक्टर बोनस लीडरशिप यहाँ तक भी क्लियर नहीं हो रहा था, जैसे वो ट्रेवल फंड पे आए कि साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप, फिर वहां से थोड़ा सा राहत मिला कि मैं सही जगह पे आया हूँ। फिर उन्होंने एक कदम और बढ़ाया कि 3 लोगों को भला कर दोगे तो स्टार बन जाओगे, उस समय ऐसे ही बोलते थे, 3 लोगों का भला कर दो स्टार बन जाओगे, फिर आपको कार भी आ जाएगी, तब थोड़ा और राहत आया। फिर और एक कदम बढ़े कि 6 लोगों का भला कर दो घर भी आ जाएगा, फिर मैंने कहा सही जगह पे आ गया हूँ। फिर 3 घंटे के बाद रात उसी होटल में दीपक सर भी रुके थे, उसी होटल में मैं भी रुका था, उसी होटल में अपलाइन भी हमारे रुके थे, 3 घंटा अपलाइन का दिमाग खाया। क्योंकि जिंदगी में एक चीज याद रख लो, लाइफ में कभी भी अगर डाउट रहेगा ना तो आप सफल नहीं हो सकते। तो मेरे माइंड में जो जो डाउट था ना, मैंने कहा एक ही बार में क्लियर करो, खत्म करो मैटर, या तो हाँ या तो ना। तो डाउट क्लियर किया मैंने, 3 घंटे लगातार उस अपलाइन के साथ और दीपक सर के साथ भी 1 घंटा और बैठा था। तो सारी डिटेल जब क्लियर हो गई फिर उड़ान भरने की तैयारी हो गई कि नहीं अब यही प्लान करेंगे। और फिर हमने कहा चलो कल जाएंगे मुंबई, मुंबई निकला मैं, दूसरे दिन सुबह हुई मुंबई के लिए निकला, हबीबगंज स्टेशन पे आया, सुरेश जी हमारे साथ आए मुझे छोड़ने के लिए, तो वो बोले नहीं कि जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। जैसे 10 मिनट रह गया ट्रेन को आने के लिए, उन्होंने पूछा विकी करना क्या है, मैंने कहा फॉर्म निकालो भरते हैं शुरू करते हैं काम। उन्होंने स्टेशन पे फॉर्म निकाला, मैंने स्टेशन पे फॉर्म भरा, साइन किया, उनको दे दिया,
मैंने कहा काम शुरू करेंगे, पर दिसंबर का महीना था, मैंने कहा नए साल से शुरू करते हैं, जनवरी से शुरू करेंगे। और 2007 जनवरी 8 तारीख 8 को हमने रजिस्टर किया अपने आप को और काम शुरू किया। उस काम शुरू के पहले एक मेरी लाइफ में ना चेंज आना था, गॉड का मैटर था कि गॉड भगवान चाहता था कि लाइफ में बदलाव आएगा। तो एक फोन आ गया शुरू करने से पहले, और सुरेश जेवार का फोन आया था, उन्होंने कहा बाली सर मुंबई आ रहे हैं, आप एक बार मिलो। ये अच्छा चांस मेरे लिए मिला। वो आ रहे थे लीलावती हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर जीजा जी को देखने, तो मैंने उनको फोन किया बाली सर को कि मैं विक्की जायसवाल मुंबई से आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से नंबर मिला। तो बोले बेटा आ जाओ, और बारिश छमाछम थी, बारिश में मैं गया उनसे मिला। एक घंटे हमारे साथ वन टू वन अकेले बैठे थे 2007 की बात। एक घंटे में उन्होंने एक बात बोली, लास्ट में सब कुछ बताया उन्होंने, सब समझाया, लास्ट में एक पॉइंट बोला उन्होंने, और वही पॉइंट मेरी जिंदगी का सक्सेस का राज बन गया। उन्होंने लास्ट में कहा 2018 तक जो भी बंदा हमारे साथ चलेगा, 2018 तक, उस समय 2007 में उस बंदे ने, आज जो बाली सर हमारे हैं, 2007 में वो इंसान हमें कहता है कि भाई 2018 तक 18 की सोच बना ली बंदे ने। उस समय मैं भी नहीं जानता था वाली सर को, पहली बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा 2018 तक अगर हमारे साथ चल दोगे तो 2025 में आपकी चार्टर्ड प्लेन आ सकती। सपनों का भंडार तो भरा हुआ था। फिर वही जिंदगी से शुरुआत हुई कि ये बंदे के साथ काम करना चाहिए, और हमने काम शुरू किया, मेरा पहला चेक बना। ये मैटर करता है सोच का, क्योंकि मैं आया था बड़ी सोच लेके। अगर मुंबई आया था तो हीरो बनने आया था, सोच ये थी हीरो बनेंगे तो लग्जरी कार से चलेंगे, इससे चलेंगे, उससे चलेंगे, ये सारी चीजें थी। तो जब ये सोच लेके आया था, ये सोच ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, और बाली सर ने मेरे सोच में सोच डाल दी, ये सोचने पे मजबूर कर दिया, और वही टॉपिक आज लेके आया हूं आपके पास। सोच चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। क्या आप चाहते हो सब लोग अपनी लाइफ बदलना? हाथ खड़ा कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ वीडियो में सब। राइट, ग्रेट। तो आज के बाद कसम खा लो, क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, अगर वो जिंदगी नहीं चाहिए, कहते हैं ना जो चीज आज तक नहीं मिली, अगर वो चाहिए तब वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। तैयार है? राइट। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आपकी इस थॉट के ऊपर, आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, और यही लाइफ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक स्क्रीन आपके सामने आया है। यहाँ जितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ, जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, आप 10 लाख कमाना चाहते हैं पर नहीं कमा पाते, उसका कारण क्या है पता है? सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है आपकी सोच, आपका थॉट्स। अगर अंबानी ने सोचा, एक एनोटेशन क्लिक करो, देखो कोई समझदार बंदा है, थोड़ा सा क्लिक कर दिया है, फिर भी मैं उसे बंद कर देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मोर में ओके डन ओके। तो सोच एक ऐसा शक्ति है आपके अंदर, एक ऐसा पावर है आपके अंदर, ये सोच आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन ला सकता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अंबानी जीरो से हीरो बनने का कारण सिर्फ एक सोच है। आज अमिताभ बच्चन है, उनकी एक सोच है। आज मोदी जी है, उनकी एक सोच है। राइट। तो ये सोच आपकी लाइफ में परिवर्तन लाता है। तो आप सोच को समझिए कि लाइफ क्या बदल सकती है, क्या नहीं बदल सकती है। सोच दो टाइप का होता है, हेलो, ये सोच दो टाइप का होता है, थोड़ा सा ये समस्या है। सोच दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव कहता है मेरी कार नहीं आ सकती, पर पॉजिटिव क्या कहता है? मेरी कार आ सकती है।
नेगेटिव कहता है मेरी मैं प्लेन पे नहीं बैठ सकता, पर पॉजिटिव कहता है मैं प्लेन पे बैठ सकता हूँ. यस और नो? यस. तो सोचना क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव. एक सेकेंड ना, रुकेगा थोड़ा, स्लाइड आगे. हाँ राइट, आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है मेरा? यस यस. तो नेगेटिव कहता है मैं कार नहीं ले सकता, पर पॉजिटिव क्या कहता है, मैं कार ले सकता हूँ. नेगेटिव कहता है मैं बंगला नहीं बना सकता, पर पॉजिटिव कहता है मैं बंगला बना सकता हूँ. अच्छा क्या लगता है आप सबको, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव बोल सकते हो. पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो आज इस पॉजिटिव सोच को लेके कहाँ चलना है, ड्रीम के पास. कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं जो सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं? सभी लोग देखते हैं राइट, ड्रीम देखते हैं. कैसे कैसे है? अच्छा सा घर हो, अच्छी सी कार हो, बैंक बैलेंस हो, वर्ल्ड टूर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कर्जा मुक्ति हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, पेरेंट्स हेल्प हो, ये सारे सपने हम लोग देखते हैं. यस और नो? यस. और ये कब देखते हैं पता है, जब हम 10th में इंटर करते हैं, हमारा सेंस ह्यूमर काम करना शुरू कर देता है. आपके बाजू से कार जूम करके निकलती है, आपके मन में एक ख्याल आता है, एक दिन बड़ा होके ऐसे ही कार लूंगा. यस और नो? यस. प्लेन को उड़ते हुए आप देखते हो, आपके मन में एक ख्याल आता है, एक दिन इस प्लेन पे बैठूंगा. एक अच्छा सा घर देखते हो, आपके मन में एक ख्याल आता है, एक दिन ऐसा ही घर बनाऊंगा. और जैसे 10वीं से ग्रेजुएशन का सफर कंप्लीट करते हो, घर से एक प्रेशर आता है, पढ़ाई बंद काम शुरू. आता है नहीं आता? और ये होती है हमारी हालत, जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारी इनकम इतनी सी और हमारा ड्रीम इतना बड़ा, तो क्या पूरा होगा? क्या नहीं होता है? यस और नो? Yes. हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कंप्रोमाइज. बड़ा प्यारा सा शब्द है कंप्रोमाइज. जितनी चादर उतना पैर, जितनी चादर उतना पैर. कंप्रोमाइज करते हैं हम लाइफ में. कैसी कैसी कंप्रोमाइज करते हैं पता है? आपके पास बाइक होती, बाइक. शादी हो जाती तो बीवी को भी बिठा के घुमाते, और चार साल के बाद दो बच्चे एक टंकी पे एक पीछे एडजस्ट करते. करते या नहीं करते? Yes. होटल में जाते हैं, होटल में मेनू कार्ड मिलता है, मेनू कार्ड राइट से देखते हैं या लेफ्ट से? राइट से देखते हैं. टक टक टक, दाल फ्राई 15 रुपए, चलो मंगा लो. खाने का कुछ और मन करता है और खा के आते कुछ और है बॉस. कब तक जिंदगी में कंप्रोमाइज करोगे? आज के बाद कंप्रोमाइज नहीं करना है. आज के बाद अपनी इनकम को बढ़ाना है, कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. चादर मार्केट में बहुत है, खरीदो, सिलो, बढ़ाओ. और जैसे ही इनकम बढ़ जाएगी, आपकी नीड, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी. पैसा है, घर चाहिए, बना डालो. जैसे अश्विनी जी ने चार चार पांच पांच घर बना लिए. बनाएगी नहीं बनाए, वैसे आप सब बना सकते हो राइट. घर, पैसा है, गाड़ी चाहिए, जितना चाहिए खरीद लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. पैसा है, वर्ल्ड टूर जाना है, चले जाओ. सारा खेल पैसे के ऊपर डिपेंड करता है. और हम करते हैं अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज. 80% लोग सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करते निकाल देते हैं. अगर जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसी मुंबई में 2 दिन भूखा सोया हूं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करने की आदत डाली, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलेगी कि नहीं, जीना सीख लो लाइफ. इसलिए आज के बाद इनकम बढ़ाने की कोशिश करो. और आप इनकम बढ़ाना चाहते हो फिर भी इनकम नहीं बढ़ती, जानना चाहते हो? उसका भी कोई रीजन है, उसे कहते हैं ना परिवर्तन, चेंज. परिवर्तन संसार का नियम है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है, हर 20 साल में एक साइकिल चला है, हर 20 साल में एक चेंज आया राइट. 1920 में हमारे यहाँ सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम, विनिमय एक्सचेंज, आदान प्रदान. आपके पास चावल, हमारे पास गेहूं, लोग ऐसा काम चलाते थे, उस समय ऐसे ही चलता था. 1940 में क्या हुआ, सर्विस आया. उस समय देश गुलाम था, लोग डरते थे, जॉब पे नहीं जाते थे, पकड़ के ले जाया जाता था. पर जिन जिन लोगों ने जॉब किया, 40 साल के बाद जो रिटायर हुए, लाखों रुपए लेके रिटायर हुए. आज लोगों का रुझान किधर है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो. कभी किसी ने नहीं सिखाया पढ़ो लिखो बिजनेस करो. लेकिन अभी उस दिन का एक न्यूज आ रहा था, केजरीवाल न्यूज दे रहे थे अभी, बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को 1,000 रुपए दे के बोले जाओ मार्केट में
बिजनेस करके आओ, इसको डबल बना के आओ। आज मार्केट में मतलब कॉलेज में पढ़ाने का शुरुआत हो रहा है, लेकिन उस समय नहीं सिखाया जाता था पढ़ो लिखो बिजनेस करो, सिर्फ एक ही बात बोली। आज भी बहुत सारे नए 70% लोग यही सोच के पढ़ाई करते हैं कि एक जॉब मिल जाए और अच्छी सी नौकरी मिल जाए और जिंदगी चली जाए, यही सोचते हैं ना। 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन, सूखा पड़ गया था 1960 में, कोई खेती नहीं करता था, गवर्नमेंट परेशान हो गई, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। गवर्नमेंट ने आवंटन का एक नियम निकाला उस समय, ये जिम्मेदारी खेती करने का, जो भी लेगा जमीन हम फ्री में देंगे। उस समय जिन जिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, हजारों एकड़ एक एक एरिया उनको दे दिया गया था, क्योंकि वो खेती करने की जिम्मेदारी ले, क्योंकि बिना खेती किए, बिना किसान का काम किए आप खाना नहीं खा सकते हो, उनके दम पे ये संसार चलता है, राइट। तो उस समय किसी ने खेती नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उनको जमीन फ्री में मिला। आज वही जमीन बेच के पैसा बना रहे हैं, यस और नो। 1980 कंप्यूटर लॉन्च हुआ, राजीव गांधी ने 1980 में जब कंप्यूटर लॉन्च किया तो लोगों ने मोर्चा निकाला। हमारे देश में मोर्चा ज्यादा निकालते हैं, काम कम कर दें, जब देखो झंडा ऊंचा हमारा रहे, ऐसे ही चलता है, यस और नो। लेकिन जिन जिन लोग यहाँ, जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जिन जिन लोगों ने मोर्चा निकाला उनके घर में 10 लाख आया क्या, उनके अकाउंट में आया क्या? जो मोर्चा निकालने कभी गए होंगे उनके अकाउंट में 10 लाख आया क्या? नहीं आया ना। आज तक उनको ही पता नहीं कि मैं मोर्चा निकाल क्यों रहा हूं। तो हमारे देश में मोर्चा ज्यादा निकालते, जब 1980 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ लोगों ने मोर्चा निकाला, ये कंप्यूटर को भगाओ, इस देश में एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करता है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज वही कंप्यूटर 20 साल के बाद हमारी मजबूरी बन गई। आज बिना कंप्यूटर जॉब करने जाओ, बिना कंप्यूटर नॉलेज आपको जॉब नहीं मिलेगा। कोई भी काम करने जाओ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केट में जाओ, किराने की दुकान में जाओ, किधर भी जाओ, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बट 20 साल पहले ये बात दिमाग में नहीं जा रही। उसी कंप्यूटर को समझने वाला व्यक्ति 1980 में के नारायण मूर्ति, इंफोसिस का मालिक, पूना की गलियों में चाय पीने का पैसा नहीं हुआ करता था। वो बंदा, उनकी जीवनी पढ़ो जाके, कि जितने लोग अमीर बने वो जीरो से बने हैं आज तक। किसी के पास पैसा रहेगा वो अमीर नहीं बनता, वो तो अमीर ऑलरेडी है। लेकिन जिन जिन लोगों ने इतिहास आज रचा है, अंबानी ले लो, किसी को ले लो, सब जीरो से ऊपर आए हैं। के नारायण मूर्ति के पास भी चाय पीने के पैसे नहीं हुआ करते, लेकिन आज 1980 में कंप्यूटर को समझा कि ये आने वाला हमारा कल है, और आज अरबों का मालिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को समझा था कि हमारा आने वाला कल। जो इंसान अपने कल के बारे में सोचता है, जो इंसान अपने आने वाले जिंदगी के बारे में सोचता है, वही सफल हो सकता। जो अपने कल के बारे में नहीं सोचता वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ चलना सीखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। 1980 खत्म हुआ, 2000 आज 20 चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2020 चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का एक सिस्टम है। आज शेयर मार्केट देख लो, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे हैं जो कंप्यूटर के दम पे चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं। अमेजॉन मार्केट देखो, सब ऑनलाइन चलता है, यस और नो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, प्लान का इंफॉर्मेशन, आपकी सोच बदलने का इंफॉर्मेशन। अगर ये इंफॉर्मेशन देने से 20 लाख आता है तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, वेस्टेज चलता नहीं, और इतना आसान काम तो मुझे जिंदगी में कोई दिखाई नहीं आज तक, कि कोई काम ही नहीं हमारा, तो हम तो सिर्फ बात ही करते हैं। और 3 इंडस्ट्री ऐसी है जो बात करने से पैसा मिलता है, एक पॉलिटिक्स, एक फिल्मी दुनिया, और एक नेटवर्क इंडस्ट्री, दूसरा कोई। हम तो इतने खुश होते हैं कि ऊपर वाले ने इतना अच्छा काम दिया है कि बात करो और बात करके अपनी जिंदगी बदलो। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मगजमारी नहीं, फिर भी 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि बात करने से पैसा कभी बन सकता है। और जिसको ये समझ में आ गया वो कभी फेल भी नहीं हो सकता, राइट। तो 2020 इंफॉर्मेशन देते देते आज हमारी इनकम 17-18 लाख पे पहुंची, और 2021 दिसंबर तक ये इनकम गॉड इज ग्रेट कहां जाएगा, 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, ये तो हमें भी बताया, पर कितना जाएगा वो देखेंगे। ये टारगेट हमने लिया है, और हमने तो टारगेट अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट ले लिया है। वॉरियर मैनेजमेंट
टोटल एकदम तैयार है, प्लेटफॉर्म रेडी है, खाली आप वॉरियर ऐप में टोटल इन्वॉल्व होकर ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर देखो लाइफ में कैसा बदलाव आता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कहाँ आप पहुंचोगे। आप खाली साथ चलो, दो साल 2025 तक साथ दे दो, वॉरियर मैनेजमेंट आपको कहाँ पहुंचाएगी आप सोच नहीं सकते। ये हमारा टारगेट है, राइट। 2030 आने वाला है, अभी आया नहीं है, और ये ऑटोमेशन का जमाना आने वाला है। सारा काम बटन से होगा, सब काम बटन से हो रहा है। आज भी लैपटॉप देख लो आप, प्लेन देख लो, सब बटन से काम हो रहा है। ऑटोमेशन का जमाना है, एक बटन दबाओ टीवी चालू हो जाती, चली रही है ना। आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, एक रोबोट पिक्चर आई थी, देखा था आपने रोबोट पिक्चर, अश्विनी जी देखा था आपने? आपका म्यूट है, म्यूट है। यस, देखा था मैंने, देखा था आपने। उसमें एक लास्ट का सीन है, रोबोट पिक्चर में एक लास्ट का सीन है, सारे बच्चे और टीचर म्यूजियम में जाते हैं और बच्चे टीचर से पूछते हैं इस रोबोट को डिसमेंटल क्यों किया गया था। एक रोबोट से आवाज आई थी, आपको याद है? थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ जी, थोड़ा भूल रहा हूँ, पूरी तरीके से याद नहीं है। मैं बता देता हूँ, रोबोट से एक आवाज आई थी कि मैं सोचने लगा था, सोचने लगा था। अगर एक लोहा सोच सकता है तो हम क्या है जी? इंसान है, इंसान, और हम सोच सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और यहाँ पे एक साइड से एक सिस्टम दिया है, राइट साइड में, महंगाई के ऊपर जी। 1920 में 1 रुपए में घर का खर्चा चलता था, 1 लाख। 1940 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, 1960 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, 1980 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, 2020 में 10 गुना महंगाई बढ़ी। आज अपने हाथ, दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, 10,000 में घर का खर्चा चलता है क्या? तो जो 5,000 7,000 8,000 कमाते वो जिंदगी जीतते हैं या जिंदगी काटते हैं? काटते हैं। जिंदगी आपको जीना है तो काम तो करना पड़ेगा। और 2030 में 1 लाख रुपए घर का खर्चा होगा, कैसे वो भी मैं बताना चाहूं। अभी हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है, मोदी जी सरकार जो चल रही है, उन्होंने अनाउंस किया था बीच में कि हमारे बच्चे अब बैग लेके नहीं जाएंगे, अब टैब लेके जाएंगे। ऑनलाइन सब सिस्टम होगा, टैब से पढ़ाई होगा, बैग से पढ़ाई नहीं होगा, सारा सिस्टम वो टैब में इंक्लूड होगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 टैब लगेगा, खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अगर आप जिंदगी में ये बात समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में 1 लाख रुपए खर्च होगा, तो अपनी इनकम को बढ़ाओ, वरना जिंदगी सिर्फ काटोगे जियोगे नहीं। तो जो जिंदगी जीना चाहते हैं उनको मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, काम तो करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? तैयार है, आगे बढ़े सुनी जी? यस, बिल्कुल। yes. बढ़िया, ग्रेट। हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। हम काम करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, पर हमारा ग्रोथ क्यों नहीं होता, उसका एक कारण है टाइम एंड मनी। आप 8 घंटे काम करते हो, 8 घंटे पैसा मिलता, 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे पैसा मिलता, 16 घंटे काम करते हो, 16 घंटे, और 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे पैसा मिलता। इसे कहते हैं टाइम लिमिट, मनी लिमिट, इसे कहते हैं लीनियर इनकम, रेखांकित हो जाता है। न इससे ज्यादा आपके पास टाइम है और न इससे ज्यादा आप पैसा बना सकते हो, 24 आवर्स, 24 घंटा। लेकिन हमारे जैसे इंसान, दो हाथ दो पैर एक दिमाग वाले इंसान, करोड़ों रुपए डेली कमा रहे हैं, आखिर वो करते क्या है? क्या करते हैं? वो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के पास 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। अगर 8 घंटे भी काम करेंगे तो 16 लाख घंटे एक दिन में काम होता है, इसलिए वो करोड़ों में खेलते हैं। हमारे पास कितना घंटा है? 24 घंटा। 24 घंटे में, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, लोग घर में बैठे हैं, पर जब खुला था तो 24 घंटे में हम लोग काम कैसे करते? 8 घंटे अगर हम जॉब करते हो तो हमारे पास कितना बचा? 16 घंटे। 16 घंटे में 6 घंटे सोते हैं, 10 घंटे बचे, 2 घंटे नहाने धोने में, 2 घंटे आने जाने में, 2 घंटे टीवी देखने में, 4 घंटे बचे। ये 4 घंटे जाते कहाँ हैं? तो जब खुला था ये सब चीज, तो हम लोग पान की टपरी में गप्पे सप्पे करते हैं, स्पीच देते हैं, अनवांटेड स्पीच देते हैं, और कहते हैं मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक प्रधानमंत्री को एक पान की टपरी पे खड़े रह के
90% लोग सलाह देते हैं कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, अंबानी को क्या करना चाहिए, राइट? ये टाइम पास करते लोग। और एक चीज याद रख लो लाइफ में, जो इंसान टाइम पास करता है ना, एक दिन टाइम उसको पास करके निकल जाता है, वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए आज के बाद टाइम को पास नहीं करना है, टाइम को यूज करना है। ये 4 घंटा जो आपका बचता है ना, यूटिलाइज करो। एक एक मिनट आपका कीमती है जिंदगी का, क्योंकि आज जो दिन आपका जा रहा है दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा ही नहीं, उस समय आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। आप पैसा बैंक में रख सकते हो, पर टाइम को कभी बैंक में नहीं रखा जा सकता। इसलिए टाइम को यूज किया जा सकता है और एक एक मिनट यूज किया जा सकता है। हमने कभी मीटिंग छोड़ी नहीं, हम कभी लाइफ में मीटिंग मिस नहीं करते, क्योंकि हमारी जिंदगी बन गई है और इसी जिंदगी से, इसी सिस्टम से पैसा आ रहा है। तो जिस इनकम को हम चाहते हैं, जिस सिस्टम से इनकम को चाहते हैं, उस सिस्टम में हमें कंटिन्यू 100% नहीं 200% इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और हम लोग 50% इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो चीज हमें नहीं मिलती। अगर हम 100% भी इन्वॉल्व हो जाए तो रिजल्ट भी 100% ही आने वाला है। तो तैयार है आप लोग? यस। इसके लिए हमें चाहिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम को मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास बेरोजगारी इतनी है, लोग इतने 135 करोड़ लोग, जनता हमारे पास कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। पढ़े लिखे MBA करके 20,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप जाओ तो सही उनके पास, उनको बताओ तो सही, 10 को बताओगे एक तो मानेगा। आप अच्छा काम करने जा रहे हो, लेकिन अच्छा काम करने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदलने जा रहे हो, फिर भी हम डर डर के जाते हैं। लोगों को डर डर के बोलते हैं, क्यों डरते हो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नो बोलेगा, इससे ज्यादा क्या बोल सकता है? नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी, नया चांस, आगे बढ़ो, किसी का वेट मत करो। जब तक आपकी जिंदगी में वो 6 पागल, 8 पागल, 12 पागल, 16 पागल नहीं मिल जाते, तब तक ढूंढते रहो। और जिस दिन ये मिल गए, आपका काम खत्म हो जाता है, फिर आप टीचर का काम कर दो, उनको ट्रेन करने का काम कर दो, उनको सपोर्ट करने का काम कर दो, आपका काम आसान हो जाता है। जैसे आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते तब तक आप सपोर्ट करते हो, और जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब लगाने पर भी आप सपोर्ट करते हो। अगर घूस भी देना पड़ेगा 5 लाख 10 लाख, वो भी आप दे देते हो। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी बदल जाएगी, और जब उनकी जिंदगी बदल जाएगी तभी वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो जिसको आप ज्वाइन करते हो वो आपका बच्चा है। जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होता, जब तक वो क्राउन नहीं बनता, जब तक वो 2 लाख 5 लाख नहीं कमाता, तब तक उसे सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। जिस दिन वो ग्रेजुएट हो गया, 2-5 लाख आने लगा, फिर आप आराम से सो सकते हो। आपकी 12 की 12 लाइन क्राउन, 16 की 16 लाइन क्राउन, घर में सोते रहो, पैसा आते रहेगा। लेकिन ग्रेजुएट तो बनाओ, बच्चों को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सक्सेस होके उनको चेक निकाल के उनको उस लेवल पे खड़ा करना है तो वो आपको भी ना पूछे, वो अपने आप भागना शुरू कर दे। ऐसे पागल ढूंढना है, क्योंकि पागल ही इतिहास रचता है। जितने साइंटिस्ट है वो पागल है, इसलिए वो रॉकेट बना देते हैं चांद पे जाने का, मंगल मिशन पे। मंगल मिशन देखा आप लोगों ने पिक्चर? यस। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार मंगल मिशन देख लेना। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके पास कितनी भी दिक्कत आए, अगर मंगल मिशन देख लिया तो आपकी सारी दिक्कतें भाग जाएंगी, आप सक्सेस की राह पे ही चलोगे, कभी फेल नहीं हो सकते। कुछ मोटिवेशनल पिक्चर है ना, देखा करो, ये सबसे मेरा वो है, आह्वान है, तो देखा करो, राइट? तो आगे बढ़े हम। अगर सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए? 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, नॉलेज। किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो नॉलेज चाहिए। आग इंजीनियर बनना है तो नॉलेज चाहिए, डॉक्टर बनना है नॉलेज चाहिए, जो भी बनना है नॉलेज चाहिए। अगर वेस्टेज में सफल होना है तो नॉलेज चाहिए। किस चीज का? प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम करता है, किस सिस्टम में देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए। ये नॉलेज आपको होगा तभी उसको नहीं पता चला, आपने किसी को उठा के स्पाइरुलिना दे दिया और उसको लूज मोशन हो गया, फिर आपको फोन करता है, सर कौन सा प्रोडक्ट दे दिया आपने, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। और आपको भी अगर नॉलेज नहीं है तो आप घबरा जाओगे, क्या हो गया गड़बड़। ऐसे शुरू में ऐसे ही होता था, बट अगर नॉलेज रहेगा, स्पाइरुलिना खाने से आपका इंटेस्टाइन का सारा कचरा साफ हो जाता है और 7 दिन के बाद वो सही जगह पे सिस्टम से ऑटो मोड पे आ जाता है, अगर ये नॉलेज रहेगा तो आप बता सकते हो कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।
राइट, इसके लिए नॉलेज चाहिए, प्लान के लिए नॉलेज चाहिए। अभी आरंभ जो अभी आइए अपना आत्मनिर्भर जो आया है, इसमें आपने इसका भी नॉलेज आपको हो गया होगा। तो जितने भी लोग हैं किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो उसका नॉलेज, वैसे वेस्टिज में आपको प्लान का नॉलेज चाहिए। मल्टीपल एलओबी कैसे आता है, किस लेवल पे, क्राउन पे कितना डेप्थ मिलता है, यूसीडी पे कितना डेप्थ मिलता है, डीसीडी पे कितना डेप्थ मिलता है, ये सारा मल्टीपल एलओबी का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि सारा सबसे बड़ा गेम किसमें है, मल्टीपल एलओबी पे, और एलओबी सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए एलओबी का जानना जरूरी है। एलओबी का चार्ट अगर नहीं समझ में आता तो अपने अपलाइन से बार बार पूछ लेना, क्योंकि एलओबी का चार्ट आज तक मैंने बहुत सारे यूसीडी बहुत सारे क्राउन को मैंने देखा है, एलओबी का चार्ट ही नहीं मालूम, इसलिए वो पैसा नहीं बना पाते। जिस दिन आपको एलओबी का चार्ट पता चल जाएगा, मेरा चैलेंज है आपका इनकम अपने आप लिख सकते हो अपनी च्वाइस के अनुसार। तो नॉलेज चाहिए प्लान का, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका स्किल डेवलप हो जाता है, कौशल्य, बोलने की कला, टाइम मैनेजमेंट की कला, टीम मैनेजमेंट की कला, ये नॉलेज के ऊपर आता है। क्योंकि नॉलेज रहेगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, इसलिए आपका स्किल बिल्ड होता है वहां पे। और तीसरा एटीट्यूड, इस दुनिया में कोई भी काम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड इस दुनिया में कोई सफल नहीं होगा, इसलिए एटीट्यूड टोटल पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम अगर काउंट करें, अगर काउंट की बात करें एटीट्यूड को, यहाँ पे लिखा है आपने देख लो, एक नंबर पे आता T20, T20, I9, T20, U21, D4, E5 टोटल 100%। इसको काउंट करो अल्फाबेट नंबर में, काउंट करो आपको 100% आएगा। बाकी आप नॉलेज को काउंट कर लो, स्किल को काउंट करो, हार्डवर्क को काउंट करो, कभी 100% नहीं आता, पर एटीट्यूड 100% आता है। इसलिए आप अगर आपको सफलता चाहिए, 1% भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ गया कि यार मैं नहीं कर सकता, छोड़ देना, क्योंकि आपके लिए वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर एटीट्यूड नेगेटिव थॉट्स आ गया। इसलिए आज के बाद अगर सफलता चाहिए 100% पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। विदाउट 100% आप सफल नहीं हो सकते हो। और कैसे होगे 100%? आप यहाँ मुझे देख रहे हो, दो हाथ मेरे पास है, आपके पास भी दो हाथ, दो पैर मेरे पास है, आपके पास भी दो पैर है, एक दिमाग मेरे पास है, आपके पास भी एक दिमाग है। वो सारा चीज जो मेरे पास है वो आपके पास है, वो बाली सर के पास है, सब सेम सेम है, पर एक चीज खाली है, वो डिफरेंट रहती है, वो आपकी सोच। और जिस दिन आपका सोच पॉजिटिव हो गया, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सफल होने से। इसलिए आप पॉजिटिव एक ही दिमाग में बिठा लो, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये दिमाग में फिट कर लो और खाली सीखने पे लग जाओ। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, आपको कार चलाने नहीं आती, आपको डर लगता है, लेकिन कार चलाना सीख जाते हो तो कार चलाने के लिए क्या पढ़ाई की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है? नहीं। तो जो भी चीज हम पैदा हुए हैं, अंगूठा छाप, जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हम अंगूठा छाप ही रहते हैं ना, हर चीज यही सीखते हैं धरती पे आके। तो जो चीज नहीं आती उसे आप सीख सकते। अगर आपको कार चलाने नहीं आती, सीख लो, आ जाएगी। आपको बोलने, आपको लिखना नहीं आता, सीख लो, आ जाएगा। एक दिन तो सीखा होगा ना कुछ तो कुछ। वैसे यहाँ भी जब आए हो वो हर कुछ सीख सकते हो, लेकिन अपलाइन को फॉलो करो। हम लोग अपलाइन को नहीं फॉलो करते, इसलिए हम सीख नहीं पाते। अपलाइन कहता है मीटिंग में आओ, आप कहते हो टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो ये भूल जाओगे कि आप सफल हो जाओगे। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 18 साल, मैं आगे बताऊंगा, 18 साल पढ़ाई करते हो तब जाके 20,000 की नौकरी मिलती है, 10,000 की नौकरी मिलती है। इसलिए आज के बाद अगर सफलता चाहिए तो काम करना है तो 100% एटीट्यूड पॉजिटिव के साथ काम करो, वरना काम बंद कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर काम करना है तो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना, तभी आप सफल हो पाओ। नहीं तो आप अपलाइन को दोष दोगे कि मैं तो जुड़ा था आपके साथ, मैं तो 6 महीना 1 साल हो गया, मेरा तो चेक ही नहीं आता, हमारे साथ तो नसीब हमारा अच्छा था कि हमारे साथ अपलाइन भी नहीं थे। सुरेश जी भोपाल, मैं मुंबई, 1 साल के बाद मुलाकात हुई हमारी अपलाइन से, 1 साल के बाद जनवरी में हम जुड़े और दिसंबर में मुलाकात हुई, तब मेरा क्राउन और
लग्जरी का मतलब क्राउन का और कार का आ चुका था। मैंने कार का सेलिब्रेशन करने के लिए बाली सर को बुलाया था मुंबई, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि सर आप भी आ जाओ, अब आपने हमें कुछ दिया है तो उसका अचीवमेंट में आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो एक साल के बाद मेरी अपलाइन से मुलाकात हुई और तब तक मैं क्राउन बन चुका था। आपको अगर एक साल अपलाइन से मुलाकात नहीं होना, आप तो टीम छोड़ के भाग जाओगे। सही बात, आपको तो ऐसा लगता है कि हम अपलाइन के लिए आए, इसलिए ये भूल दिमाग से निकाल दो। ये जिंदगी आपकी है, आपको सफलता चाहिए तो काम आपको ही करना पड़ेगा। अपलाइन आपका मेंटर है, अपलाइन आपका टीचर है, अपलाइन आपको सिखाएगा, पर काम तो आपको, कहते हैं ना स्वर्ग देखना है तो मरना खुद को पड़ेगा, दूसरा मरेगा तो दूसरा देखेगा। ये दिमाग में फिट कर लो आज के बाद, राइट। आगे बढ़ते हुए आज के बाद आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करो, सफलता आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। आप पढ़े हो आप नहीं पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में अगर सीखने के लिए तैयार हो तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, राइट। तो आज मिशन ले लो कि जब तक सफल नहीं हो जाते, क्योंकि काम किसके लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अगर किसी के लिए नहीं तो अपने देश के लिए तो काम करो थोड़ा सा। इतनी बेरोजगारी है, कम से कम रोजगार क्रिएट करके उनको दो तो सही। आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोगों की जिंदगी बदल दो। आपको कहते हैं ना, आपको थैंक यू बोलते हुए लोग थकेंगे नहीं अगर किसी की लाइफ बदल दोगे। आज हमारे साथ वही हुआ ना, आज हमारी टीम में कितने लोग सफल है, कितनी लग्जरी कार, कितनी कार, आज 600 कारें आ चुकी है हमारी टीम। तो सवाल ये है कि जब आप अच्छा सोचोगे, मैं एक चीज फिर से बोलना चाहता हूँ, जब एक इंसान बड़ा सोचता है ना तो लाखों की लाइफ बदल देता है। अंबानी अपने बारे में सोचे थे सफल होने के लिए, अंबानी धीरू भाई अंबानी अपने बारे में सोचे थे सफल होने के लिए, 2 लाख लोगों को जॉब दे दिया। वैसे जब आप सोचोगे सफल होने के लिए तो लाखों की लाइफ बदल दोगे। इसलिए आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि टाइम जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी जी लो, जिंदगी काट लो, चॉइस आपकी है। हम तो रास्ता हमें मिला, हम सक्सेस हुए, रास्ता हम आपको दे रहे हैं, ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, नॉलेज आपको दे रहे हैं, सफल हो सकते हो। पर जब तक आपकी चॉइस नहीं होगी कोई आपको सफल नहीं हो सकता। आपको भूख नहीं लगी होगी कोई आपको सफल नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए आपको बताना चाहूंगा, करियर, इसको ध्यान से सुनना। करियर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो 3 साल, फर्स्ट ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, सेकेंड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, थर्ड ईयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, क्या मिलता है, डिग्री। मार्केट में जाके नौकरी मांग सकते हो, मिलती नहीं है। आज की सिचुएशन वही है, आज तो लॉकडाउन की हालत ऐसी है कि मांगना तो छोड़ दो, वैसे भी निकाल रहे हैं लोग, तो इतना सिचुएशन बैड हो चुका है। और आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपने जान पहचान के जितने लोग बेरोजगार हैं पढ़े लिखे, उनको जाओ तो सही, बताओ तो सही कि आप लाइफ में अपने आप में बदल सकते हो, उनको लाओ तो सही। अगर आपको और प्रोफेशनल बनना है, पढ़ाई करना है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, अगर लॉयर की पढ़ाई करनी है तो फिर 3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। एजुकेशन एग्जामिनेशन एजुकेशन एग्जामिनेशन एजुकेशन एग्जामिनेशन, क्या मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी। आप वकील बन गए हो, आप लॉयर बन गए हो, तो डायरेक्ट कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो क्या, नहीं, किसी सीनियर के नीचे रहके सीखना पड़ेगा कि जज के सामने खड़े रहके कैसे बात की जाती है, एप्लीकेशन कैसे टाइप किया जाता है। 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके कमाने का एक चांस मिलता है। और अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये काउंट होता है 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल लॉयर की पढ़ाई, 4 साल प्रैक्टिस, टोटल 10 साल पढ़ाई करने के बाद। वैसे तो 18 साल पढ़ाई किए तब जाके ग्रेजुएशन बने, पर मैं अगर मेन फैक्टर की बात करूं तो 10 साल पढ़ाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो वकील 2 लाख रुपए कमा सकता है या नहीं कमा सकता, कोई गारंटी नहीं। पर हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको आज गारंटी देते हैं कि अगर आप यहाँ का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो गिरी से गिरी हालत में 2 लाख रुपए पर मंथ आएगा। अब यहाँ का ग्रेजुएशन है क्या, यहाँ का ग्रेजुएशन क्या है, फर्स्ट ईयर स्टार डायरेक्टर। जब स्टार बन जाता है तो कलाकार हो जाता है, स्टार यार कलाकार, कार से चलने लगता है, सब कुछ इनकम आने लगती है। और सेकेंड ईयर क्राउन डायरेक्टर, कम से कम 1 लाख रुपए, अगर 6 लाइन से लोगी आ रही है तो गिरी से गिरी हालत में 1 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। एंड थर्ड ईयर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, गिरी से गिरी हालत में
2 लाख रुपए पर मंथ का चेक आता है अगर प्रॉपर मैनेज करके आपने स्ट्रक्चर तैयार किया। और यहाँ का ग्रेजुएशन कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप 6 महीने में कर लो यूसीडी, आप 1 साल में कर लो, आप 3 साल में कर लो, आप 5 साल में कर लो, 5 साल के बाद भी अगर 2 लाख रुपए आने लगेगा तो जो आप काम कर रहे हो आज प्रेजेंट टाइम में, क्या उसमें 5 साल के बाद 2 लाख आएगा, क्या उसमें 5 साल के बाद 3 लाख आएगा, क्या उसमें 5 साल के बाद 4 लाख आएगा, बट यहाँ आपको आएगा। ये मेरा चैलेंज है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल है, जीरो से हीरो बने हम लोग, पैसा नहीं हुआ करता था, मैंने काम शुरू किया, मेरा आरसीएम का चेक बंद कर दिया गया, जीरो हो गया, पूरी फैमिली के साथ मुंबई में, मेरा पहला चेक बना था 393 रुपए, 393 रुपए का चेक बना, दूसरा चेक बना 550 रुपए का, तीसरा चेक बना 1702 रुपए का, चौथा चेक बना 1093 रुपए का, 3500 का 4 महीने में चेक आया, जितने आए थे आधे भाग गए, लेकिन तब तक हमने बेस बना लिया था। और ये 4 महीने के अंदर हमने 70,000 रुपए खर्चा किया था, और ये 70,000 रुपए में मैं फेब में फ्लाइट से कलकत्ता गया था प्लान दिखाने, क्योंकि एक लीडर की मुलाकात हो गई थी तो मैं प्लान दिखाने कलकत्ता गया था, और उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, मैंने 70,000 रुपए खर्च किया कर्जा लेकर, और जब कर्जा लेके खर्च किया तो 5वें महीने का जो चेक बना वो 79,583 80,000 का चेक बना, सारा सिस्टम ओके हो गया, और वहां से जो जर्नी शुरू हुई आज आप देख ही रहे हो, कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया या सारी चीजें जो भी मिली है सब ये कीमत चुकाई हमने, हार्डवर्क किया हमने। कंपनी को कौन जानता था बॉस उस समय 2007 में, कंपनी को कोई सुनना नहीं पसंद करता था, लोग बोलते थे वेस्टेज कहां से लेके आ गए, वेस्टेज को वेस्टेज बोलते थे लोग, और प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो क्या होगा, कौन जवाब देगा, ऐसे लोग बात करते थे। बाली सर ने क्या किया था, वो सारे प्रोडक्ट का एक टेक्निक बता दिया था कि जब भी आप मीटिंग करोगे सारे प्रोडक्ट में 4-4 कैप्सूल निकाल के 30-40 कैप्सूल खा लेना, और खा के फिर मीटिंग करना, और लास्ट में फिर बोलना कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं हुआ। हमने ऐसे इतने कैप्सूल अंदर लिए हैं आज तक बीमारी दूर भागी थी। तो आप लोग ये कैप्सूल खाना शुरू करो, राइट। तो यहाँ का ग्रेजुएशन इजी है, अपलाइन को फॉलो करो, अगर अपलाइन पहुंच गई है आप भी पहुंच सकते हो, अपलाइन जो कहती है अगर उसे फॉलो करोगे तो कम समय में पहुंचोगे, अगर अपलाइन की बात नहीं मानोगे तो शायद उसमें 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है और आप फेल भी हो सकते हो। लेकिन अगर सही फॉलोअर बन गए, अपलाइन ने कहा मीटिंग में आओ मीटिंग में आ गए, अपलाइन ने कहा 6 लाइन बनाओ 6 लाइन बना दिया, अपलाइन ने कहा वो 6 लोगों को भी मीटिंग में लाओ आप उनको भी ला दिए, अपलाइन ने कहा इनको आगे बढ़ाओ इनको आगे बढ़ा रहे हो, एक दिन वो डायरेक्टर बन जाएंगे आप क्राउन बन जाओगे, लेकिन आप उसमें दिमाग लगाओ, अपलाइन कह रही 6 लाइन हम तो 3 ही पे काम करेंगे, हम तो 2 ही पे काम करेंगे, कुछ लोग कहते हैं मेरी 1 लाइन पहले मजबूत कर लूंगा फिर मैं आगे काम करूंगा, तो कभी भी जिंदगी में बिल्डिंग अगर बनानी है तो पूरा 6 पिलर एक साथ में उठाना पड़ेगा तभी छत डाल सकते हो, इसलिए जिंदगी में अगर सफलता चाहिए वेस्टेज में तो 6 लाइन के साथ ही काम करना, 3 लाइन के साथ मत करना, 2 लाइन के साथ मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे, साइड मेंटेन नहीं होगा तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए आज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 6 लाइन के नीचे काम ही नहीं करना, और 6 पागल यार हम नहीं ढूंढ सकते, और अगर आपको 6 लोग नहीं मिल रहे आप अपने जिंदगी में अपने अकेले एक जगह बैठ के अपना हाथ उठाना और अपने गाल पे थप्पड़ मारना कि मैंने जिंदगी में किया क्या इतने साल तक कि 6 लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, और एक इंसान रामदेव बाबा अगर आवाज कर दे तो रामदेव बाबा अगर आवाज कर देते हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और हम लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो भी लोग नहीं आते, इसका मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, लोगों की जब तक वैल्यू नहीं होती ना लोग उनके बारे में सुनते ही नहीं, इसलिए अपनी वैल्यू बनाओ आज के बाद अपने आप को, अगर कोई नहीं सुनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी और नॉलेज अपडेट करो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो, लोग अपने आप सुनने पीछे, कहते ना गांधी जी चल दिए थे कारवां पीछे आ गया, वैल्यू बनानी पड़ती है, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, हमें कोई सुनता नहीं था उस समय 2007 में, हम 400 किलोमीटर बाइक चला के जाते थे रत्नागिरी प्लान दिखाने, आप लोग पता नहीं जाओगे नहीं जाओगे मुझे नहीं पता, पर बहुत हार्ड वर्क करूं मैं इसलिए आज यहां पहुंचा, तो लाइफ में ना बहुत सारी चीजें मायने रखती है, सीरियस होना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, कहते हैं नॉलेज मल्टीप्लाई एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, तभी वो मिलेगा, और जिंदगी एक बार मिली है, जो जिंदगी जी रहे हो वो बेहतर है या जो जिंदगी जीना चाहते हो वो बेहतर है आपके लिए, पहले ये डिसाइड करो, जब आप डिसाइड कर लोगे ना तो जो जिंदगी चाहते हो ना तो एक बात दिमाग में बिठा लेना कि जो आज तक नहीं मिला अगर वो चाहिए तब वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया, राइट। तो तैयार है आप लोग, Yes. मैं आगे पीपीटी पे जाता हूँ, लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि लोग फेल क्यों होते हैं, लोग पास क्यों होते हैं।
लास्ट पीपीटी लास्ट पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकती है. बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल दी, मेरी लाइफ बदल दी. लाइफ एंड प्रॉब्लम. मेरा आपसे सवाल है, गॉड हैज गिवन ब्यूटीफुल लाइफ, सुंदर सा जीवन दिया है, इंसान बना के धरती पे भेजा है. आप अपने आप पे प्राउड करो और भगवान को थैंक्स कहो कि हमें जानवर नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया है. इसे कहते हैं गॉड हैज गिवन ब्यूटीफुल लाइफ, सुंदर सा जीवन दिया है, जाओ जियो. और यहाँ पे 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी दी है जीने के लिए. और साथ में आपको एक चीज और देता है, इसको ध्यान से देखना आप सब लोग. साथ में एक चीज आपको मिला है, वो है प्रॉब्लम. इन दोनों चीजों पे, लाइफ और प्रॉब्लम में, सबसे पहले फोकस कहाँ जाता है आपका अश्विनी जी, कहाँ जाता है? प्रॉब्लम पे. प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन पे जाना चाहिए. प्रॉब्लम पे, सॉल्यूशन पे जाना चाहिए. सबसे पहले फोकस कहाँ जाता है, लाइफ पे या प्रॉब्लम पे? प्रॉब्लम पे जाता है. प्रॉब्लम पे ज्यादातर लोगों का जाता है. एक खत्म होता है, दूसरा, दूसरा खत्म होता है, तीसरा, तीसरा खत्म होता है, चौथा, सारी जिंदगी. प्रॉब्लम 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 मिली थी जिंदगी जीने के लिए, हमने उसमें डाला प्रॉब्लम, हमने उसमें डाला प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहावत है ना, जो गोगे वही काटोगे. अगर गेहूं बोगे तो गेहूं ही पैदा होगा. जिंदगी में अगर प्रॉब्लम डालोगे तो प्रॉब्लम ही आने वाला है, और जिंदगी में जिंदगी डालोगे तो जिंदगी आने वाली है. चॉइस आपकी है कि जिंदगी या प्रॉब्लम, ये डिसाइड आज आपको करना है. और जो इंसान प्रॉब्लम पे फोकस करता है, अभिजीत जी ध्यान देना इस पे, जो इंसान प्रॉब्लम पे फोकस करता है वो हर समय रोती सूरत लेके आता है, हर समय रोते रहता है. जब देखो तब ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं. हाँ अभिजीत जी, बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलते हैं, रोते ही रहते हैं. आप प्लान दिखा दो फिर भी वो रोते रहेंगे, पैसा नहीं है. बहुत सारे लोग कहते थे ना, पहले जब हम लोग 700 रुपए की ज्वाइनिंग थी, 600 का प्रोडक्ट, 100 रुपए का किट, 700 की ज्वाइनिंग थी, हम लोग बोलते थे यार 700 रुपए इजी वे में काम कर सकते हो. एक 10 साल की नौकरी करने वाला बोलता है मेरे पास अभी 700 रुपए नहीं है. मैं आज जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, 10 साल जॉब करने के बाद अगर 700 नहीं, 1000 रुपए नहीं है, तो 10 साल और जॉब भी कर लोगे तो भी 1000 रुपए नहीं रहेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम पे फोकस करने वाले कभी सफल नहीं हो सकते, और सफलता पे फोकस करने वाले कभी फेल नहीं हो सकते. इसलिए आज के बाद फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, सफलता पे करनी चाहिए. पर सफलता पे जो नहीं करता, प्रॉब्लम पे फोकस जो करता है, वो हर समय रोती सूरत लेके मिलेगा, हर समय रोते रहेगा. वो कहेगा अभी नौकरी जॉब पे पेमेंट आने दो फिर ज्वाइन करेंगे. पेमेंट आने के बाद फिर बोलते हैं दो दिन रुक जाओ, अभी कुछ और घर में प्रॉब्लम हो गया. दो दिन के बाद आप फोन करोगे, बोले और कुछ प्रॉब्लम हो गया. ये बहानेबाज लोग कभी सफल नहीं हो सकते. कहते हैं ना, सक्सेस और बहाने कभी साथ साथ नहीं चलते. या तो जिंदगी में सफलता ले लो, या तो बहाने बना लो. चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है. yes. सफलता चाहिए या बहाने. इसलिए आज के बाद प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, जिंदगी पे फोकस करना है. और जब लोग जिंदगी पे फोकस करते हैं ना, तो जिंदगी फूलों के जैसे हसीन बनती है. इसलिए आज के बाद डू फोकस ओनली एट लाइफ. कार चाहिए तो चाहिए, 10 लाख चाहिए तो चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए तो चाहिए. अगर ये फोकस आप करते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए बैठा है, अपने बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ता, जो मांगोगे वो देगा. आपके बच्चे जब जिद करते हैं तो आप दे देते हो ना, और नहीं तो फिर थप्पड़ दे देते हो, कुछ तो देते हो आप. थप्पड़ दे दो, या तो उनकी जिंदगी, उनको उनकी मांगी हुई मुराद पूरी कर दो. तो वैसे ऊपर वाला भी आपको देता है, जो मांगोगे वो देगा. अब जिंदगी मांग लो, या तो बहाने बना लो, या तो जो भी करना कर लो. इसलिए लाइफ में याद रख लो, आज के बाद हमें क्या करना है, डू फोकस ओनली एट लाइफ. हमने लाइफ पे फोकस किया, हमें क्या मिला, प्लेन, प्लेन पे बैठने का मौका. इस पे बैठ के हम लोग कहां गए, हांगकांग, यस, सिंगापुर, वाओ, राइट, सिंगापुर गए. उसके बाद बहुत सारे कंट्री घूमे, अभी तक हमने 22 कंट्री घूमा है, फॉरेन ट्रिप, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया,
बैंकॉक, दुबई, और यहाँ एक कंट्री हमने और घूमी, फुकेट। यस, यहाँ पे फुकेट में मिलता है ट्रेवल फंड, फुकेट में ट्रेवल मिलता है भाई, हमें पैसा देना नहीं है ना, जमा रहता है वो। जब भी आपको फॉरेन ट्रिप जाना है अपना पासपोर्ट भेजो और चलो। यहाँ आप देख रहे हो रसिया, लंदन, टर्की, इंडोनेशिया, ये सारी लाइफ जी हमने बॉस। हम लोग सुनते थे लंदन, स्कॉटलैंड, ये सब सुनते थे हम लोग, लेकिन अब घूम के आए। अगर आप चाहते हो स्पेन, ऐसे बहुत सारी लाइफ हमने जी है। और अश्विनी जी भी आते हैं, हम लोग सब मिलते हैं फॉरेन ट्रिप पे, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं हम मलेशिया, और एक तो हमने तीन कंट्री एक साथ में, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और जर्मनी, तीन कंट्री एक साथ में घूमे। एक बार हम लोग शायद अश्विनी जी को याद होगा पेरिस गए थे, हमने वो कहते ना वो लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर वाली हाल हो गई थी, वो तीन कंट्री में किया था पेरिस। हाँ है ना, ऐसा हुआ था कि भाई एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से चल के ब्रुसेल्स और फिर में आए, बगल में हमने लंच किया और पेरिस में हमने डिनर किया। तो जिंदगी ऐसी है, क्या किया हमने बॉस, सिर्फ एक काम किया है। साउथ अफ्रीका भी गए थे हम लोग 24 अगस्त के टाइम में, हम गए थे वहां पे 21 से लेकर 28 तक, हमारा 24 अगस्त का जन्मदिन था और साउथ अफ्रीका में हमने जन्मदिन मनाया। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना मिलता है, सवाल ये है कि हम जिंदगी क्या जी रहे। इसलिए आपको करना है कि आप नहीं अपने बच्चों की लाइफ बदलोगे, आप जो माँ बाप आपको पैदा किए हैं उनको आप कुछ दे सकोगे, जो जिंदगी जीना चाहते हो वो आप जी सकते हो। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बदलाव तो लाना पड़ेगा, सोचने का तरीका तो बदलना पड़ेगा। कार, यहाँ पे जो हमने कार ली, लोगान, फिएस्टा, क्रूज, और ये हमारे छोटे भाई है, वैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑडी Q3, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हुई है जो हम चाहते थे। एक बेंच पे सोने वाला बंदा, एक जीरो से ऊपर आने वाला बंदा आज 18 लाख महीने की इनकम पे आ गया, और अभी बहुत जर्नी बाकी है। वैसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं जो लग्जरी कार पे बैठ चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं, हर्षल त्रिवेदी, रसिका कुलकर्णी, सोनू सिंह ठाकुर, मयूर चौधरी, विकास अग्रवाल, प्रशांत नरेकर। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हम अकेले नहीं सफल हुए, बहुत सारे लोगों को हम सफल कर, राइट। ये सबसे बड़ी बात। तो मैं यहाँ पे एंड करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता, लास्ट पॉइंट आपको देना चाहता, 10:10 हो गया है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ तो इसको मैं शेयर हटा देता हूँ जी। स्टोरी ये है कि राजा अकबर का नाम सुना होगा, जो हमारे देश में पहले थे, और उनके साथ एक उनके सहभागी थे जिसका नाम था बीरबल। तो राजा अकबर और बीरबल की जोड़ी बहुत मशहूर थी। एक बार क्या हुआ, राजा अकबर का जन्मदिन आया, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल पूरे नगर में नगाड़ा बजवा दो और 56 प्रकार का भोग बनाओ। जो राजा ने कहा बीरबल ने वही किया। दूसरे दिन सब लोग इकट्ठा हुए, आधे लोग जन्मदिन मनाने चले गए और आधे लोग कहाँ चले गए, खाने पे। आप लोग शादी ब्याह में जाते हो ना, आप लोग क्या करते हो पता है, पहले दूल्हा दुल्हन छोड़ो, पहले ले लो। तो वही हाल वहां भी हुआ, आधे लोग खाने पे, आधे लोग जन्मदिन पे। तो बाकी लोग जब जन्मदिन मना के खाने की तरफ बढ़े तो सब लोग आ गए खाने की तरफ। सब लोग देखभाल कर रहे थे, राजा भी घूम रहे थे वहां पे, बीरबल भी घूम रहे थे। राजा साहब ने बीरबल से पूछा, बीरबल खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो बीरबल ने कहा, काश वो होती। तो उन्होंने बावर्ची को बुलाया, बोले कौन सी चीज नहीं बनी है? बावर्ची ने चेक किया, बोले सरकार जो जो आपने बोला था सब बना दिया। वापस थोड़ी देर के बाद राजा ने बीरबल से पूछा कि बीरबल खाना क्यों नहीं खा रहे, राइट। एक ही मिनट, ये स्क्रीन शेयर, हाँ वो हटा दिया, हट गई, हटी नहीं, अभी कोई अभिषेक है उन्होंने कर दिया। अभिषेक जी स्क्रीन हटा दीजिए। मैं यहाँ से डिसेबल किया है पर हट नहीं रही, वो हट नहीं रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। अभिषेक जी की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या है, कनेक्टिविटी टूट जाती है तो दिक्कत होती है ना जी। तो जो पूरा, तो
राजा ने बीरबल से पूछा, वापस दोबारा पूछा कि बीरबल खाना क्यों नहीं खा रहे हो। फिर वापस बीरबल ने जवाब दिया, काश वो होती। राजा को आया गुस्सा, उन्होंने निकाला तलवार, बोला नहीं बताओगे तो सर कलम कर देंगे। तो बीरबल ने कहा, काश भूख होती। भूख होती जिस इंसान को सक्सेस की भूख नहीं है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। अगर सफलता चाहिए तो भूख पैदा करनी पड़ेगी। यस, कार चाहिए तो चाहिए, 10 लाख चाहिए तो चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए तो चाहिए, भूख पैदा करनी पड़ेगी। और जिसके पास भूख है वही सफल होगा, जिसके पास भूख नहीं है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती जाएगी और वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए 80% लोग गरीब रहते हैं, 20% लोग अमीर होते। तो अपनी भूख बढ़ा लो क्योंकि आप इंसान हो। अगर आप अपने आप को इंसान मानते हो तो ऊपर वाला आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। पर चाह तो पैदा करो यार, पागलपन तो लाओ। जब तक पागलपन नहीं आएगा सफलता नहीं मिलेगी, राइट? तो मैं यहीं पे अपनी स्टोरी खत्म करना चाहता हूँ। जो सोच आपकी है अगर बदलने में मैं कामयाब रहा, आपकी सोच को सक्सेस दिलाने में कामयाब रहा, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। क्योंकि अगर मैं किसी की जिंदगी में सफलता ला दिया, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। ऊपर वाले ने मुझे अच्छा काम करने के लिए भेजा है, बुरा काम करने के लिए नहीं भेजा। टांग पकड़ के खींचने के लिए नहीं भेजा है, टांग पकड़ के ऐसा उठाने के लिए भेजा है। तो वैसे ही आप अपनी जिंदगी में, कहते ना कि वो एक बार क्या हुआ, एक राजा के महल में आग लग गई तो लोग भागने लगे। तो एक चिड़िया पानी उठा के लाती थी और महल पे छोड़ती थी। एक बंदर उसे देख रहा था। बंदर होते ना, जैसे आपको भी बहुत सारे लोग देखते हैं, वो बंदर टाइप के लोग होते हैं। वो देखते रहेंगे आप क्या क्या कर रहे हो, वो सब बोलते भी रहेंगे। तो बंदर से रहा नहीं गया, बंदर ने बोला, ये चिड़िया तेरी ये पानी से महल का आग नहीं बुझने वाला है। तो चिड़िया बोलती है मुझे मालूम है कि ये मेरे पानी से आग नहीं बुझेगा, पर जब जब इतिहास इस महल का लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में से नहीं आग बुझाने वालों में से होगा। यस, वेरी गुड। चाहता हूँ कि मेरी आवाज से अगर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाए तो कम से कम याद तो करोगे, यही चाहिए लाइफ में। पैसा तो एक दिन यही छोड़ के चले जाओगे, एक चीज लेके जाओगे वो है आपका नाम। और इसी नाम के साथ आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कोई भी आपको पीछे खींचे, रुकना ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो चीज चाहोगे वो मिलेगा, पर मंजिल तक पहुंचने की ताकत तो पैदा कर लो। और एक इंसान समझ लो अपने आप को कि मैं इंसान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि चांद पे जाने वाला भी इंसान ही था, प्लेन को बनाने वाला इंसान, कंप्यूटर बनाने वाला इंसान, और हम भी इंसान। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ और यही मुस्कुराहट बना रहे। सारे लोग जैसे धर्मेश जी हैं, जी हैं, काफी लोग हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, आशा जी हैं, बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं, किरण भाई भी बैठे हैं, जिग्नेश जी बैठे हैं, सब लोग हमें दिख रहे हैं लैपटॉप पे। तो कहने का मतलब ये है कि खुशी पैदा कर दो, खुशी दे दो, जिंदगी जीने का एक राह दे दो, और क्या चाहिए लाइफ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स विक्की जी, थैंक यू विक्की जी।